So hey guys, what's up? It's about Mehul Vlogs. Back into the gate with a new video. So guys, आज आपको बताऊंगा how to vlog. फिर से how to vlog. So guys, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं vlog कैसे करूँ, क्या करूँ. लोगों को बहुत सारा डर होता है अंदर, क्या मुझे vlog कैसे करना चाहिए, क्या करूँगा. So guys, सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा सो दैट आप vlog कर सको. आप पब्लिक में लोग बहुत पूछते कि हाउ टू ब्लॉग इन पब्लिक, उनको सेम फील होती है. सो गाइस, ऐसा आपको कुछ फील नहीं करना है. सो गाइस, सबसे पहले आपको होना चाहिए प्रॉपर लुक. पहले फर्स्ट टिप है प्रॉपर लुक. मतलब कैसा, अगर ऐसा नहीं कि आप लोग विदाउट कुछ, यानी वियर हो गया, आपके बाल सही से बने नहीं, आपका सेटअप है जो कम्प्लीटली वो बैकग्राउंड है पीछे वो ख़राब हो. सो गाइस, वो नहीं होना चाहिए, जिससे यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा ये रखो कि आप अपना जो सेटअप है वो एक अच्छा रखें, अपना लुक है वो बेटर रखें, जिससे लोग आए और लोग आपको देखें और लोग आपको पसंद करें. ठीक है. सो गाइस, पहली टिप्स ये थी. अगर सेकंड टिप्स है गाइस फ्रेंड, सो गाइस सेकंड टिप है कि आप अपने जो फ़ोन है यानी आपको वो जो कैमरा है उसे अपना दोस्त मान लीजिए. सही में हाँ, आप अपने कैमरा को क्या कर लीजिए, दोस्त मान लीजिए. ऐसे ही मान लीजिए कि मेरे सामने कोई दोस्त खड़ा है, उससे मैं बातचीत कर रहा हूँ जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो उससे क्या आपने को वो कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब जैसे कि मान लो कि ये सामने कैमरा है या मैं बैठा हूँ, सामने मान लीजिए कैमरा है जिससे अपने को क्या करना है, ये मेरा फ्रेंड है इससे मैं बात कर रहा हूँ, चलो मैं बात कर रहा हूँ. सो गाइस, इससे क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कोई कैमरा है सामने, क्योंकि सबको कैमरा के सामने एंग्जाइटी होती है कि कैमरा. तो ऐसा कुछ नहीं होता है, खाली अपने माइंड में ये फिट करके रखना है कि खाली ये मेरा फ्रेंड है. सो गाइस, चलते हैं तीसरी टिप के साथ. तीसरी टिप है नो सेम. जैसे कि मेरे को नहीं है कुछ सेम, नो सेम मतलब ये नहीं कि मैं सेमलेस हूँ, सेमलेस नहीं हूँ गाइस. दो मिनट फोड़ो फोकस. मुझे बहुत पसंद है, जस्ट टू मिनट. सो गाइस, तीसरी टिप है नो सेम. नो सेम का मतलब आप अगर जाए, आप कहीं पे जा रहे हो, जैसे कि आप मॉल में हो या फिर कहीं पे भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे अगर जा रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है, क्या वियर्ड कर रहा है. बट लोग क्योंकि स्टार्टिंग में ब्लॉग करते तो ऐसा ही होता है, तो आपको वो फीलिंग नहीं लानी कि लोग क्या कहे क्या कहेंगे, जो कहना वो कहेंगे, क्योंकि अपने को तो अपने रास्ते पर चलना है. बिकॉज लोग आपको कमा के नहीं देने वाले गाइस, लोग आपको कमा के नहीं देने वाले, आपको खुद को कमाना पड़ेगा, खुद को खाना पड़ेगा. ठीक है गाइस, सो व्हाट पीपल थिंक आई डोंट केयर. ओके, सो एक सूत्र बना लो. और सो गाइस, चौथी टिप से हमारे पास कि व्हाट पीपल थिंक. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हाट पीपल थिंक, लोग क्या कहेंगे. दुनिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या कहेंगे लोग. सो गाइस, भाड़ में जाए दुनिया, लोग भले कुछ कहे, अपने को किसी का भरोसा नहीं रखने का, खुद पर भरोसा रखने का. बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक वन मैन आर्मी. ठीक है गाइस, सो अगर ये आप टिप्स कुछ फॉलो करोगे तो शायद क्या आप बनोगे शायद. तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, अगर सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है, और मैं कुछ अपनी तरह से ऐड करो, जैसे कि आपको कुछ सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंसिस्टेंसी रखेगी. क्या आप एक आनी आपको निश्चित करना पड़ेगा कि जैसे कि एक दिन में वीडियो तो दूसरे दिन डालना ही पड़ेगा. अगर आप हफ्ते में तीन वीडियो डाल रहे हैं, फिर हफ्ते में चार वीडियो, तो आपको वो प्रॉपर स्पेस बना के रखना पड़ेगा. और आपको कोई भी काम करो डूड, कोई भी फील्ड में तुम लोगों को हार्डवर्क के बिना कुछ लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं. सबसे पहले आपको हार्डवर्क करना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. सो गाइस, और आपकी जो एडिटिंग है वो भी बहुत अफेक्ट करती है आपके वीडियो में. सो गाइस, आप अच्छी एडिटिंग करो, अच्छी एडिटिंग सीख लो, जिससे आपका वीडियो प्रॉपर बने. सो गाइस, ये कुछ टिप्स थी मेरे लिए जो आप सक्सेसफुल ब्लॉगर कैसे बन सकते हो. सो गाइस, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, फॉर द बिगनर हु स्टार्टेड ब्लॉगिंग. सो गाइस, अभी तो पता है कि क्वारंटाइन चल रहे हैं यार, लॉकडाउन चल रहा है. तो गाइस,
अभी तो अपने कुछ कर नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, पर मैं इसके बाद बाहर के ब्लॉग्स लाऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपको बहुत ही पसंद आएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नीचे एक अच्छा कमेंट करना कि मुझे अगला वीडियो किस पर बनाना चाहिए। सो टिल देन सेफ रहो और सबसे पहले घर पे रहो। सो टिल देन बाय।